हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड चल रहा था उसका तीसरा पार्ट हम इसमें क्लियर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया, सेकंड में इसके 8 रूल्स पढ़े थे हमने, और इसमें अब आगे जो और रूल्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। मैनी हो तो बहुवचन क्रिया भरे तथा मैनी अ हो तो एकवचन क्रिया भरे, ये इंपॉर्टेंट रूल। जैसे मैनी वर प्लेइंग देयर दैट डे, अनेक वहां उस दिन खेल रहे थे, तो मैनी के साथ में बहुवचन क्रिया भरी जाती हैं। अगर मैनी के साथ में कोई नाउन जुड़ा हुआ हो, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, तो भी बहुवचन क्रिया भरेंगे। इधर मैनी अ गर्ल्स, तो यहाँ पर देखो गर्ल्स प्लूरल है, फिर भी मैनी अ जो एक ग्रुप का सिंबल है, तो यहाँ पर उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैनी अ आए तो एक वचन क्रिया बननी है। नाउन प्लस नाउन और द नाउन प्लस द नाउन हो तो बहुवचन क्रिया बने। अब ये जो रूल मैंने लिखा यहां पर उसके एग्जांपल पहले देखते हैं। जैसे नाउन प्लस नाउन, जैसे अमर एंड रितिका, तो नाउन प्लस नाउन हुआ, तो डू नॉट लाइक मिल्क, तो यहां पर बहुवचन क्रिया हो गई, डू आ गया। द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो द नाउन प्लस द नाउन, द नाउन द नाउन, तो बहुवचन आ रहा है। इसी में लेकिन द नाउन प्लस नाउन हो तो एकवचन क्रिया भरे, तो जैसे द बॉय एंड स्टूडेंट, तो द बॉय द नाउन तो आ रहा है, लेकिन पीछे द नाउन नहीं है, सीधा नाउन आ रहा है, तो सिंगुलर वर्ब वेट्स, तो ये ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट, नाउन ऑफ नाउन हो तो ऑफ से पहले आने वाली संज्ञा के अनुसार क्रिया भरे, जैसे अ ग्रुप ऑफ बॉयज डैश विजिटिंग जू दैट संडे, तो यहां पर ऑफ लगा हुआ है, तो नाउन ऑफ नाउन, अ ग्रुप ऑफ नाउन, तो ऑफ से पहले यहां पर क्या है, अ ग्रुप, ग्रुप सिंगुलर है, अ ग्रुप आ रहा है, तो यहां पर वॉज। टू स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड, तो यहां पर ऑफ से पहले स्टूडेंट्स आ रहा है, देखो प्लूरल, तो ऑफ से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, दो एग्जांपल हो गए इसके। रूल नंबर 12, नाउन और प्रोनाउन प्लस नॉट यू हो तो नाउन प्रोनाउन के अनुसार क्रिया भरे, ठीक है। जैसे सी एंड नॉट यू, देखो नाउन प्रोनाउन है सी, नॉट यू, तो ऐसे में नाउन प्रोनाउन जो आगे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है, तो यहां पर वॉचेज सी के अकॉर्डिंग। वह तुम नहीं, यानी इस प्रेजेंस किसकी बताई जा रही है, सी की, नॉट यू, तुम नहीं, वह, तो यहां पर इसके अनुसार क्रिया यहां पर सिंगुलर है। फिर है जेरेंडियल नाउन, जेरेंडियल नाउन नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आई एन जी फॉर्म वाला जो वर्ब होता है उसको एक संज्ञा के रूप में यूज करना, जैसे स्मोकिंग किल्स मैन, तो जेरेंडियल नाउन में हमेशा एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो स्मोकिंग किल्स मैन, स्विमिंग इज परफेक्ट एक्सरसाइज फॉर बॉडी, तो स्विमिंग इज, स्मोकिंग इज, ड्राइविंग इज, या वॉज, हैज, सिंगुलर वर्ब, तो ये जेरेंडियल वर्ब यानी आई एन जी फॉर्म वाली वर्ब। नेक्स्ट,
वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ आदि में एक वचन क्रिया भरें। तो ईच ऑफ यू हैज अ न्यू पेन, तो ईच ऑफ तो सिंगुलर वर्ब, एनी ऑफ सिंगुलर वर्ब। फिर है ईच नाउन प्लस एवरी नाउन में एक वचन क्रिया भरें, ध्यान देने योग्य नोटेबल, ईच गर्ल एंड एवरी बॉय, तो यहां पर ईच गर्ल एंड एवरी बॉय एंड से जुड़ा हुआ है, फिर भी ईच और एवरी होने के कारण सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ध्यान रखें इसका आप। और लास्ट है अ लॉट्स ऑफ और अ हीप्स ऑफ में एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अ लॉट्स ऑफ पीपल नीड्स, तो वर्ब के साथ एस या यस सर्वाइवल्स। अगला हमारा नियम है ट्राउजर्स, टंग्स, सीजर्स, जेंट्री, पलिस, वर्मिन, कैटल, पोल्ट्री, पिजेंट्री, रिचेज, स्पेक्टेकल्स, गुड्स, पैंटालूंस आदि ऐसे शब्द हैं जिसमें बहुवचन क्रिया भरी जाती है। एज कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, तो कैटल वर्ड दिख रहा सिंगुलर है परंतु इसमें प्लूरल वर्ब आएगी। माई ट्राउजर्स आर, मेरी पैंट, ट्राउजर या पैंटालून, सेकेंड ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। टर्न आउट, फट जाना, घिस जाना। नेक्स्ट, मोर देन प्लस नाउन में एक वचन क्रिया भरें, मोर देन 50 बॉयज वॉज प्रेजेंट देयर, तो मोर देन प्लस नाउन तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। कुछ निश्चित फ्रेजेस वाक्यांश में एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे फ्रेज क्या होती है, वाक्यांश, फिक्स, टाइम एंड टाइड, आपने सुना है ऐसे शब्द, स्लो एंड स्टेडी, ब्रेड एंड बटर, दाल एंड बाटी, दाल एंड राइस, तो ऐसी फ्रेज में सिंगुलर वर्ब यूज की जाती हैं, एज टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो यहाँ पर टाइम एंड टाइड दो नाउन लग रहे हैं और आपको लगेगा कि इसमें प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, नहीं, ये एक निश्चित फ्रेज है, इन फ्रेज में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे एक और लिखा टू एंड टू मैक्स, मैक भी हो सकता है लेकिन मैक्स होगा, दोनों मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं, तो मैक्स इज परफेक्ट, ये सही है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा में एक वचन क्रिया भरे, ऐसे वर्ड, ऐसी संज्ञा जो समूह का ज्ञान कराते हैं, जैसे द कमेटी वॉज अपॉइंटेड, एक कमेटी की नियुक्ति की गई, तो कमेटी में भले मेंबर कितने ही हो लेकिन वो सिंगुलर है। जैसे कई स्टूडेंट के सामने अगर एग्जांपल ये रखते हैं, हम देखते हैं कई बार कि माय हाउस, माय फैमिली सिंगुलर है या प्लूरल, तो वे बच्चे बहुवचन उसको मानते हैं और बहुवचन की क्रिया भर देते हैं, लेकिन वो एक ग्रुप है, समूह है, तो समूहवाचक संज्ञा में सिंगुलर वर्ब। पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड इट्स स्पीकर, संसद ने अपना स्पीकर इलेक्टेड किया, तो यहाँ पर हैज, तो ये ग्रुप है। लेकिन ध्यान क्या रखने की बात है, लेकिन समूह के व्यक्तियों का व्यक्तिगत विचार हो, यानी अगर कोई समूहवाचक ग्रुप हो, समूहवाचक संज्ञा हो, तो उस समूह की बात हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन उस ग्रुप के सभी जो मेंबर अपनी अलग अलग, अपना अलग अलग विचार रखते हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द स्यू, यानी वो कमेटी एक मुद्दे पर डिवाइड हो गई, डिवाइड होना यानी बट जाना, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई। तो ऐसा दिखे कि अगर वो ग्रुप बन रहा है, अपॉइंट हो रहा है, एक सहमति हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और सहमति उनकी अलग अलग हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। कुछ संज्ञा दिखने में बहुवचन है पर उनके साथ एक वचन क्रिया भरें, जैसे न्यूज, वेजेज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा, ऐसे मैथमेटिक्स।
ये जो वर्ड हैं उनमें आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, जैसे पॉलिटिक्स इज नॉट गुड फॉर एन एजुकेटेड पर्सन, तो पॉलिटिक्स ये बहुवचन नहीं है, सिंगुलर वर्ड है तो इज आएगा। नेक्स्ट है ऑल प्लस काउंटेबल हो तो बहुवचन भरे तथा अनकाउंटेबल हो तो एकवचन भरे। काउंटेबल यानी गिनने योग्य संज्ञा, अनकाउंटेबल यानी न गिनने योग्य संज्ञा। तो ऑल द पीपल, तो ऑल प्लस काउंटेबल है तो इसलिए हैव तो बहुवचन हुआ, और यहाँ पर ऑल प्लस अनकाउंटेबल मिल्क है जो उसके लिए वॉज हुआ। ठीक है, ऑल द मिल्क दैट आई ब्रॉट, वो सारा दूध जो मैं लेकर आया था वॉज फिनिश्ड, खत्म हो गया। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु विच दैट आदि, इनमें रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार क्रिया या सहायक क्रिया बढ़ते हैं। जैसे दैट इज माई पेन, विच रन्स स्मूथली, तो जैसे विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले यहाँ पर पेन सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पर रन्स वर्ब के साथ एस सी आई एस सिंगुलर वर्ब। इट वॉज सी, ये वह थी, हु, तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सी, सी के अकॉर्डिंग वॉज सिंगुलर वर्ब, बिफोर मी, सिटिंग बिफोर मी। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का टॉपिक हमारा क्लियर है। इसमें हमने टोटली 16 और 8 24, मैंने यहाँ पर 9 10 से लिए हैं, 9 इससे पहले तक पढ़ लिए थे हमने, तो 24 25 रूल्स हमने क्लियर किए हैं। ये इनफ हैं, आप इनको पढ़ लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा आपका टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।